साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए। इस परीक्षा में वही बच्चे बैठ सकते हैं जिन्हें क्लास 6 में एडमिशन लेना है, अर्थात जो बच्चे इस समय यानी सत्र 22-23 में क्लास 5 में पढ़ रहे हैं। अब कौन से बच्चे लिए जाएंगे उसके लिए हम पहले क्लियर कर लेते हैं। मान्यता प्राप्त जितने भी ग्रामीण स्कूल हैं, यानी भले ही वो पब्लिक स्कूल जैसे हैं लेकिन वो ग्रामीण में स्थित हैं, वो बच्चे जो ग्रामीण स्कूल के मान्यता प्राप्त में, आपका प्राइमरी स्कूल, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सब स्कूल में दो दो फॉर्म दिए जाते हैं एक लड़का और एक लड़की को भरने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं उन्हें ये फॉर्म नहीं दिए जाते। तो वो लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे vidyagyan.in यानी www.vidyagyan.in पे जाकर के खोलेंगे तो वहाँ पर आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए फॉर्म अवेलेबल हैं। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और कैसे भरना है ये मैं आपको आगे के प्रोसेस में धीरे धीरे बताता हूँ। अब बच्चा ग्रामीण होना चाहिए, मतलब ग्रामीण परिवेश से ही भी होना चाहिए और जहाँ वो पढ़ रहा है वो भी ग्रामीण होने चाहिए, यानी स्कूल भी ग्रामीण होना चाहिए, ग्रामीण में स्थित हो और बच्चा भी ग्रामीण का हो। तो ये तो स्थिति क्लियर हो गई कि ग्रामीण के जो बच्चे हैं उनके लिए है। दूसरी बात रही बात आयु की कि क्या बच्चों की आयु होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं लड़कों की आयु क्या होनी चाहिए। तो लड़कों की जो आयु है वो 10 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच कब होनी चाहिए, 31 मार्च 2023 को। यानी अगर बच्चा 10 वर्ष से ऊपर है और 11 वर्ष के बीच है या 11 वर्ष पूरा भी हो रहा है तब भी वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसकी आयु की जो गणना है वो 31 मार्च 2023 को की जानी चाहिए। रही बात लड़कियों की, लड़कियों के लिए एक साल अधिक दिया गया है, उनके लिए 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए, वो भी 31 मार्च 2023। अब ये आपकी आयु जो है, आपकी जो स्कूल में लिखी गई आयु है उसके अनुसार तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे का जो आधार कार्ड होगा उस पर भी उसकी उम्र यही लिखी होनी चाहिए। अगर ये आयु नहीं है तो आप फटाफट इसको चेंज करा लीजिए, वरना आप इस परीक्षा में बैठ तो पाएंगे, बच्चा आपका पास भी होगा लेकिन आप अंतिम चरणों की परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि इसमें कागजात कौन कौन से लगेंगे। रही बात कागजात की, तो कागजात में मैं आपको बता दूं कि सबसे जो पहला है इसका आधार, ये ग्रामीण परिवेश के बहुत ही गरीब बच्चों के लिए है जिन माता और पिता यानी उनके परिवार की जो आय है कुल स्रोतों से वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें मदर और फादर यानी मम्मी और आपके पापा की जो आयु है वो कुल मिलाकर 1 लाख से कम होनी चाहिए। बहुत से बच्चे फोन करते हैं कि हमारे पापा मजदूरी करते हैं लेकिन माँ कोई काम नहीं करती, क्या दोनों का आय प्रमाण पत्र बनेगा? नहीं, वहाँ पर केवल फादर का ही बनेगा। अगर माँ और बाप दोनों, मान लीजिए आंगनवाड़ी है या आशा वर्कर हैं, उस केस में उन्हें अपना दोनों लोगों का बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर से आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा भले प्री दे दें, मेन दे लें, मेन में जब जाएंगे लास्ट में जाएंगे एडमिशन नहीं होगा। इसलिए यह कन्फ्यूज़न निकाल दी, जो ग्रामीण परिवेश से महिलाएं हैं गृहिणी हैं उनका
आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आय प्रमाण पत्र केवल उन्हीं लोगों का बनेगा जो काम करते हैं दोनों लोग, या अगर फादर हैं तो फादर का ही बनेगा, उनके नाम अगर खेती है तो उनके नाम का बनेगा, अगर पापा का है उनके पापा का, तब भी फादर की आय उसमें निकल के आ जाएगी, उन्हें वो बनवा लेना है। दूसरी बात, जो निवास प्रमाण पत्र बनना है, बहुत से गार्जियन बार बार फोन करते हैं कि आखिर हमारा निवास प्रमाण पत्र किसका बनना है, तो निवास प्रमाण पत्र बच्चे का बनेगा, याद रखिएगा निवास प्रमाण पत्र बच्चे का बनेगा और बच्चे का ही आपका लगेगा, और वो भी ग्रामीण का बनेगा। ये सारे आप अपनी तहसील से या अपने गांव में नियुक्त जो प्रधान के यहाँ इस समय बैठ रहे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट में रखा है, उनसे आप बहुत इजी गोइंग अभी से बनवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आखिर ये फॉर्म आप कब से, 25 सितंबर 2022 से ये इनकी वेबसाइट पर दिखने शुरू हो गए हैं, आप इन फॉर्म को निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके यहाँ दो फॉर्म आते हैं, एक गर्ल्स का और एक बॉयज़ का। अगर ये वीडियो कोई हमारे अभिभावक देख रहे हैं तो ये ना सोचें कि उनका बच्चा, उस बच्चे को नहीं मिला तो हम क्या करें, और कोई भी बच्चा अगर वो ग्रामीण का है, अगर वो फॉर्म भरना चाहता तो आप अपना ये फॉर्म जो है डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके इस फॉर्म को विधिवत भर लेना है, और भरने के बाद जो जो मैंने कागजात बताए उन सबको लगा के जमा करना रहेगा। कागजात में मैं फिर एक बार बता दूं, निवास प्रमाण पत्र बच्चे का, आय प्रमाण पत्र गार्जियन का, और बच्चे की आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आप एक बच्चे की आइडेंटिटी के लिए, अगर उसका आधार कार्ड नहीं है तो भी स्कूल से वो अपना सर्टिफाई करा सकता है एज को, और या फिर उसके पास आधार कार्ड है तो उसको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ये कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, 6 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, प्राइमरी स्कूलों में मिलेंगे, बाकी लोग 25 सितंबर से 6 नवंबर के बीच फॉर्म भर करके आप, या तो अगर आपके बहुत नज़दीक जिले के अगल बगल हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से फॉर्म ले भी सकते हैं और भरा हुआ फॉर्म वहाँ जमा भी कर सकते हैं, या फिर आप खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ फॉर्म ले भी सकते हैं और वहाँ पर ये फॉर्म जमा भी कर सकते हैं। फॉर्म जब भी आप जमा करने जाएं उसके पहले फॉर्म की आप फोटोकॉपी अवश्य करा के रख लें, ये जैसे ही बच्चे पास होते हैं उसके बाद ये कॉपी बच्चों से मांगी जाती है, बहुत से बच्चों के पास नहीं रहती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए ये कार्य आपको अवश्य पहले ही कर लेना है। और जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद पर आयोजित की जाएगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अगला वीडियो जो है पूरा फॉर्म भर के बताने वाला हूँ कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तब तक जो मैंने कागजात बताए हैं उन सब कागजातों को आप लोग इकट्ठा कर लीजिए और मेरे साथ रह कर के फॉर्म भरिए और अपनी पूरी तैयारी कीजिए। मैं विगत कई वर्षों से विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की स्टेप बाय स्टेप तैयारी व फॉर्म भरने का प्रोसेस बताता रहता हूँ, तो आइए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।